बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय की बात करें तो अक्षय अपने फैंस के लिए बैक टू बैक मूवीज लाने वाले हैं, जिसके चलते उनके फैंस जो हैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। वहीं अगर हम अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म यानी पृथ्वीराज की बात करें तो पृथ्वीराज फिल्म जो है रिसेंटली अनाउंस हुई है, जिस फिल्म में अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान का कैरेक्टर निभाने वाले हैं। उस फिल्म से जुड़ी रिसेंट अपडेट ये आई है, जिसको सुनकर अक्षय कुमार के जो फैंस है वो चौंक सकते हैं। जी हाँ, इस फिल्म की शूटिंग भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले ही अक्षय कुमार को धमकी मिल चुकी है और साथ ही साथ यशराज फिल्म्स को भी धमकी मिल चुकी है। जी हां, अगर हम उस धमकी की बात करें तो डकैत माखन लाल ने ये धमकी दी है और कहा है कि अक्षय कुमार ने अगर इस फिल्म में पृथ्वीराज चौहान का कैरेक्टर निभाना है तो वो अच्छे से निभाए, इस फिल्म में पृथ्वीराज चौहान के कैरेक्टर के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये शर्त भी रखी है कि अक्षय कुमार को इस फिल्म की शूटिंग से पहले डकैत माखन लाल से आकर मिलना होगा और ये संतुष्टि देनी होगी कि वो पृथ्वीराज के कैरेक्टर के साथ बिल्कुल भी नाइंसाफी नहीं करेंगे और अच्छे से प्ले करेंगे। इसके बाद जब ये फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाएगी, फिल्म रिलीज होने से पहले पृथ्वीराज की फैमिली को दिखाई जाएगी ताकि उनको ये पूरी तरह से संतुष्टि हो कि इसमें उनके कैरेक्टर के साथ कोई भी गड़बड़ नहीं की गई है, जिसके बाद ही फिल्म को रिलीज होने के लिए जो है इजाजत दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ऐसी धमकी मिल चुकी है फिल्म के मेकर्स को और अक्षय कुमार को भी। वेल, अगर हम बात करें इस फिल्म की तो ये फिल्म रिसेंटली अक्षय कुमार ने अनाउंस की है, जिसमें हमें संजय दत्त भी उनके साथ नजर आ सकते हैं। अब देखना ये होगा जब ये फिल्म बनके आती है तो ऑडियंस को ये फिल्म कितनी पसंद आती है।